हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसके अब तक 1 to 8 क्वेश्चन कर चुके, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। आज उसका 9th क्वेश्चन स्टार्टिंग कर रहे हैं, बड़े ध्यान से देखना। 9th क्वेश्चन में क्या है, परचेज रिटर्न बुक बनानी है। अभी तक आपने नोटिस किया हमने परचेज बुक और सेल्स बुक बना ली थी। अब परचेज रिटर्न बुक आएगी और सेल्स रिटर्न बुक आएगी, दोनों ही क्वेश्चन आज कर लेंगे, 9th भी और 10th भी। 10th में तो लेजर भी बनाने हैं, 9th में खाली परचेज रिटर्न बुक बनानी है। देखो, अब मैंने फॉर्मेट बना दिया, कॉलम इसमें भी खुलेंगे, एक नया कॉलम खुल जाएगा, उसका नाम हो जाएगा डेबिट नोट। देखो, सबसे पहले नंबर पर क्या ओपन होगा, डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर डेबिट नोट और LF। इन दोनों कॉलम में हमने लिखना कुछ नहीं है। अब जरा ये देखो, ये कॉलम बना दिया हमने। इस बुक का नाम देखो एक बार पहले क्या है, परचेज रिटर्न बुक को दूसरे नेम से भी बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड बुक। ध्यान रख लो, कमला स्टोर की बुक में हमने बनानी है, 3 रिटर्न आई हुई है। इस बुक में खाली परचेज रिटर्न आएगी और कोई नहीं आएगी, और वो भी क्रेडिट परचेज रिटर्न। यदि कैश में आपने परचेज कर रखी थी और वो रिटर्न कर रहे हो, वो इस बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। और कोई असेट्स की रिटर्न है वो नहीं, खाली गुड्स की रिटर्न आएगी बस। तो जरा मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ 9th से। देखो, लिखा हुआ है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज रिटर्न बुक ऑफ कमला स्टोर्स दिल्ली 4 अप्रैल 2022। पहली ट्रांजेक्शन आ रही है 2022 अप्रैल 6 को, रिटर्न गुड्स टू रमेश ब्रदर्स। रमेश ब्रदर्स से परचेज करा था, नाउ वी आर रिटर्निंग गुड्स टू रमेश ब्रदर्स दिल्ली, परचेज फॉर 5000 की परचेज हुई थी, प्लस CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 6% ईच। अब कैसे लिखते हैं देखो, जरा परचेज रिटर्न बुक लिखी मैंने, आपको नाम बता दिया, रिटर्न आउटवर्ड बुक, अच्छी तरह से याद रख लो। अच्छा, आउटवर्ड क्यों लिखते हैं वो भी सुनो, परचेजेज करी थी तो गुड्स आई थी, आज हम परचेज को रिटर्न कर रहे हैं तो हमारी शॉप से क्या हो रही है, आउट, तो ऐसे याद रख लेना, क्योंकि सेल्स रिटर्न बुक जब बनाऊंगा तो वहां उसका नाम हो जाएगा रिटर्न इनवर्ड बुक, तो ऐसे आपको समझ आ जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ डेट डालो आप अप्रैल 6th की, और नाम लिख दो किससे आपकी जो है रमेश ब्रदर्स को रिटर्न कर रहे हैं, यहां लिख दो रमेश ब्रदर्स। ये लो जी, क्या चीज है उसकी कॉस्ट वैल्यू पहले लिख दो, कितनी कॉस्ट है 5000। इन दो कॉलम में तो हमने कुछ लिखना ही नहीं है। अब इसमें ऐड कर दो आप इनपुट CGST और ऐड कर दो इनपुट SGST एट द रेट ऑफ, दोनों ही 6% है, तो कितना हो जाएगा 300 और ये भी 300। ये चीज क्लियर हो गई। सबसे पहले क्या लिखनी है, जितने के रिटर्न कर रहे हैं 5000, फिर उसकी कॉस्ट, ये तो कॉस्ट वैल्यू हो गई, और साथ में उसके जो टैक्स थे दो, वो टैक्स लिख दिया। अब इसका टोटल कर देते हैं और फिर इसको यहाँ शो कर देंगे स्प्लिट करके। अब इसका टोटल करते हो तो 5600 हो गया, लिख दो यहाँ। और इसी लाइन के सामने कॉस्ट में तो लिखो जो उसकी कॉस्ट वैल्यू है, कौन सी वैल्यू थी, कॉस्ट तो ये थी, और ये दो GST थे, कौन से वाले थे, एक तो CGST और एक SGST, उन कॉलम में लिख दो इसी लाइन के सामने। IGST इस पे लगा ही नहीं था, और अब इन तीनों को प्लस करके लिखो 5600 आएगा, उतना ही ध्यान रख लो जरा। ये 56 को हमने क्या करा है, स्प्लिट करके लिख दिया, क्लियर हो गया। अब ये क्लोज कर दिया हमने। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपके सामने आ रही है अप्रैल की, अप्रैल 8th, सोहन ब्रदर्स लिख दो, क्या चीज परचेज आ रही है, परचेज रिटर्न कर रहे हैं सोहन ब्रदर्स को हम जो रिटर्न कर रहे हैं मेरठ को, 10,000 की परचेजेज है प्लस IGST, या ब्रैकेट में मेरठ भी कर लो। ये लो, अब यहां पहले तो कॉस्ट लिखो, क्योंकि ये नहीं बता रहा क्या चीज हम रिटर्न कर रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट वैल्यू लिख लिया करो, कितनी है 10,000 आप यहां लिख लो। उसके बाद ऐड कर दो इसके अंदर, क्या चीज ऐड करना है आपने, इनपुट IGST, वो क्या रेट है आपको 12%, लिख दो 1200 हो गया। अब इसको क्लोज करते हैं जैसे ऊपर क्लोज करा था, या अब इसको क्लोज कर दो आप 11200, ये कर दिया हमने, ये कॉस्ट दे रखी थी, IGST लगाया कितना 1200, ऐड कर दिया। अब इसको यहां स्प्लिट करो, उसकी कॉस्ट वैल्यू में दिखाओ कितने की थी, इसी लाइन के सामने, इस पे कोई वो नहीं था, इस पे भी कोई नहीं था, ये आया था आपका 1200, और इनका सम करके यहां लिख दो 11200। यहां तक क्लियर हो गया, कोई मुश्किल नहीं थी, कॉस्ट वैल्यू दे रखी है, IGST था, ऐड करा, उसके बाद शो कर दिया। अब इसको बंद, क्लोज कर दिया, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 17 में आ रही है, लिख दो अप्रैल 17 की, दे रखी है महेश ब्रदर्स है, कॉस्ट वैल्यू 2000,
महेश ब्रदर्स। यहां पर उसकी कॉस्ट है, कोई आइटम नहीं बता रखी, तो आप कॉस्ट वैल्यू लिख लो 2000। अब इसमें ऐड कर दो आप इनपुट CGST और इनपुट SGST एट द रेट ऑफ 6%, दोनों ही 6% है, 6%। ये भी ऐड कर दो। चलो जी, कितना बना, 120 लिख दो, 120। अब इसको क्लोज करते हैं, यहाँ स्प्लिट करते हैं और फिर सारे का टोटल करते हैं। चलो जी, अब इसका टोटल कर लो, टोटल करते हैं तो 2240 ये बनता है इसका। अब इसको यहाँ स्प्लिट करो, ये तो 2000 बन गया, ये 300 हो गया, सॉरी 120। अच्छा, ये 120 लिखो यहाँ, ये और 2240, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये तो हमारी जो ट्रांजेक्शन हुई थी, तीनों रिटर्न की हमने डिटेल्स दे दी। अब इनका सम करते हैं कि टोटल कितना हमने जो है परचेज रिटर्न करा है, और कितना GST और कितना IGST था। टोटल जरा करते हैं, आप जरा चेक करते हो तो ये तो 17,000 आ गया आपका। इसके आगे डाल भी दो आप टोटल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये टोटल हो गया 17,000, तो यही बन गया आपका। और ये बनाओ अब आप, ये बन गया 420, ये भी बन गया 420, ये बना 1200 और ये बन गया आपका 19,040। ये क्वेश्चन हो गया जी हमारा 19,040 तक। अब इसको चेक कर लो, पहली रिटर्न इसको ही थी, ये लिखा कॉस्ट वैल्यू लिखी और GST लिखे, उसके बाद उसको स्प्लिट करके ऐसे दिखा दिया, फिर फाइनल टोटल में कर दिया। अच्छा, ये जो टोटल होगा वही बाहर जाके टोटल हो जाएगा, बस इसको टोटल को क्या करते हैं हम जो ना कॉलम वाइज स्प्लिट कर देंगे कि कितना कितना अमाउंट इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है। ऐसे ही दूसरे का आया था, दूसरे का लिख दिया, फिर थर्ड का, फिर ओवरऑल सारी कॉस्ट ऐड करो, इतनी कॉस्ट हमने रिटर्न करी है कॉस्ट वैल्यू विदाउट GST, फिर ये GST मिलाकर टोटल इतने की रिटर्न हुई है परचेज रिटर्न, उसके आगे टोटल वर्ड लिख दो, खत्म। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हमारा ये 9th तो कंप्लीट हो गया, अब 10th की बारी है। 10th में क्या है, परचेज सेल्स रिटर्न बुक बनानी है और साथ में उसके लेजर भी बनाने हैं, तो जरा शुरुआत करते हैं। तो जी, अब 10th क्वेश्चन की बारी आ गई, 10th क्वेश्चन करते हैं। 9th कंप्लीट हो गया, उसमें परचेज रिटर्न थी और इसमें सेल्स रिटर्न बुक बनानी है, इसमें लेजर भी प्रिपेयर करने हैं। तो सेल्स रिटर्न में भी देखो 10 कॉलम ही खुलने हैं, वो हमने खोल रखे हैं, बस चेंज क्या है, जो LF के साथ था परचेज रिटर्न में तो डेबिट नोट था, सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट आएगा। पहले डेट का कॉलम पर्टिकुलर, क्रेडिट नोट LF, दोनों कॉलम में लिखना कुछ नहीं हमने। उसके बाद फिर वही है डिटेल्स, कॉस्ट और तीनों GST, तीनों में से जो सभी है, और साथ में फिर टोटल। सेल्स रिटर्न बुक का दूसरा नाम याद रख लो, रिटर्न इनवर्ड बुक। अब इनको याद कैसे करें वो भी बता देता हूँ आपको। जो परचेज रिटर्न है तो परचेज हमारी शॉप से आउट हो रही है तो आउटवर्ड, सेल्स रिटर्न में हमने जो सेल करी थी वो इन हो रही है तो इसको बोलते हैं इनवर्ड बुक, ऐसे याद हो जाएगा आपको। एक चीज और याद रखोगे कि सेल्स रिटर्न बुक में खाली जो है गुड्स रिटर्न आएगी और वो भी क्रेडिट वाली, कोई कैश में सेल्स होगी और वो रिटर्न है, इट विल नॉट कम इन सेल्स रिटर्न बुक। तो स्टार्टिंग करें क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन, जो पहली ट्रांजेक्शन आ रही है, मैं वो रीड करता हूँ, देखो आप क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बार। कह रहा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द सेल्स रिटर्न बुक ऑफ राज कंप्यूटर्स दिल्ली। राज कंप्यूटर की बुक में हमने सेल रिटर्न बुक बनानी है, चार ट्रांजेक्शन दे रखी हैं और जो लास्ट वाली ट्रांजेक्शन है वो कैश सेल्स वाली थी तो वो तो आनी नहीं है, वो वैसे जब बारी आएगी तब फिर डिस्कस कर लेंगे। अभी पहली फर्स्ट ट्रांजेक्शन की करते हैं। कहता है जुलाई 1st को जो है 2022 को सोहन एंड सन्स दिल्ली रिटर्न 2 लैपटॉप, उसने जो है 2 लैपटॉप रिटर्न कर दिए जो कि हमने सेल आउट कर रखे होंगे, HP सोल्ड एट द रेट ऑफ 40,000 ईच प्लस CGST SGST। पहले तो देखो जो डेटर है उसका नाम लिखो, सोहन एंड सन्स, वो लिखते हैं यहाँ पर जुलाई 1st, सोहन एंड सन्स, ये लिख दो आप यहाँ दिल्ली, वो दिल्ली का है। अब क्या चीज़ रिटर्न कर रहा है वो देखते हैं। 2 लैपटॉप एट द रेट ऑफ, लिख दो 2 लैपटॉप एट द रेट ऑफ 40,000 ईच, टोटल कितना बन गया 80,000। ऐड करो इसके अंदर अब आप यहां पर आउटपुट CGST और आउटपुट दोनों को ऐड करना है SGST, दोनों को ऐड करते हैं कितना बन जाएगा 4800। यहां तक क्लियर हो गया।
यानी कि 80 के दो लैपटॉप रिटर्न आए हैं जिनकी कॉस्ट कितनी थी 40,000, जो हमने सेल आउट कर रखे होंगे किसको, सोहन एंड सन्स को। तो कितनी कॉस्ट बनी उनकी ये, और 48 48, क्लियर है। इसका टोटल कर देते हैं, चलो जब इनका टोटल करते हैं तो 89,600 आ रहा है। इसको आप जो है स्प्लिट करो, कितनी कॉस्ट थी लैपटॉप की 80,000, कितना जीएसटी था सीजीएसटी 4800, फिर 4800, ये कुछ था ही नहीं 89,600। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये तो कोई डाउट नहीं, और इसको जो है क्लोज कर दिया करो ऐसे। अब जरा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करते हैं जो जुलाई सेकेंड को ही आ रही है। जुलाई सेकेंड क्या लिखा हुआ है देखते हैं। उसमें लिखा है रमेश एंड सन्स नोएडा रिटर्न टू रिको प्रिंटर्स, प्रिंटर आ रहे हैं सोल 10,000 ईच प्लस आईजीएसटी 12%। टू जो है रिको प्रिंटर आ रहे हैं, दो आ रहे हैं जिसकी कॉस्ट कितनी बैठती है 20,000, 10,000 ईच है। पहले तो रमेश एंड ब्रदर्स लिख दो यहां, रमेश एंड ब्रदर्स नोएडा लिखा हुआ है उसका नाम, तो लिख दो नोएडा कौन सी स्टेट का है। अब टू रिको प्रिंटर्स एट द रेट ऑफ 10,000 ईच लिखा हुआ है क्वेश्चन में ये, तो टोटल कितने के आ गए 20,000 के, तो प्रिंटर आए। ऐड करो इसके अंदर अब आप आउटपुट आईजीएसटी था इस पर, क्योंकि अदर स्टेट में हुआ होगा, परसेंट लिख दो 2400 हो गया। अब इसका टोटल कर दो, वो आपका बन गया 22,400। अब इसको यहाँ दिखाओ स्प्लिट करके, कॉस्ट वैल्यू तो उसकी 20,000 थी, ये लगानी था सीधा आईजीएसटी 2400 था, टोटल कितना बन गया 22,400। यहाँ तक क्लियर हो गया, अब इसको क्लोज कर दो। लास्ट ट्रांजेक्शन आ रही है जुलाई 25th को लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, दिनेश चंडीगढ़ रिटर्न 10 HP डेस्कटॉप सोल्ड एट द रेट ऑफ 20,000 ईच प्लस आईजीएसटी 12% फॉर डिलेड सप्लाई। डिले सप्लाई करी होगी हमने, उसका टाइम पीरियड जो है खत्म हो गया होगा, हमारे पास तो रिटर्न आ गई वापसी, दैट इज सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड होगी। इसके नीचे के भी एक बार देख लेते हैं, लिखा है कंप्यूटर माउस रिटर्न बाई रवि डेली सोल्ड टू हिम फॉर कैश इट विल नॉट रिकॉर्ड, ये आनी नहीं है। तो ऊपर वाली करते हैं 25th की, दिनेश चंडीगढ़ लिख दो यहाँ, दिनेश चंडीगढ़ HP डेस्कटॉप एट द रेट ऑफ 20,000 ईच, एक की कॉस्ट 20 है तो टोटल बन गया आपका 2,00,000। अब इसके ऊपर आप ऐड कर दो आउटपुट IGST 12% करते हैं तो कितना बन गया 24,000। अब इनका टोटल करते हैं, चलो जी ये तो बन गया आपका 2,24,000। अब इसको स्प्लिट कर दो, कॉस्ट वैल्यू कितनी थी 2,00,000, ये तो चार्ज हुआ नहीं था 24,000 हुआ था, और ये बन गया आपका 2,24,000। यहां तक क्लियर हो गया, अब क्या करेंगे, अब सबको टोटल करते हैं कि कितनी सेल्स रिटर्न आई है, कॉस्ट वैल्यू कितनी थी, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी और वो पूरे को क्लोज कर देंगे, इधर भी क्लोज क्योंकि एंड हो गया, लास्ट ट्रांजेक्शन हमारी आनी नहीं, क्यों नहीं आनी, कैश में सेल्स थी, जो कैश सेल्स रिटर्न आएगी वो रिकॉर्ड नहीं होगी बुक्स में, तो नीचे फुटनोट दे देंगे। अब इनका टोटल करते हैं, इसका तो टोटल बनता है 3,00,000 लिख दो 3,00,000, इसका टोटल 4,800 लिख दो 48, इसका भी 4,800, और इसको ऐड करते हो तो 26,400। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, ये देख लो सबके टोटल करते जा रहे हैं अब, और इसका टोटल करोगे तो 3,36,000 टोटल सेल रिटर्न जो आई है टुगेदर विद GST वो इतने की आई है। इससे हमें ये पता चलता है इतनी कॉस्ट थी, इतना CGST, इतना SGST और इतना IGST रिटर्न है, तो ये टोटल हो गया हमारा, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब इसका लेजर प्रिपेयर करते हैं, मेरे ख्याल से कोई मुश्किल लगी नहीं होगी, जैसे परचेज रिटर्न में परचेज रिटर्न की एंट्री थी, सेल्स रिटर्न में सेल्स रिटर्न की एंट्री। अब आपका ये तो बन गया हमारा सेल्स रिटर्न बुक का, अब इनके करते हैं लेजर प्रिपेयर, क्योंकि इसमें कुछ, चलो अब इनके लेजर की बारी आ गई, अब इनका लेजर प्रिपेयर करते हैं। जैसे हमने सेल रिटर्न बुक में सबसे टॉप पे जो लिखा था उसी का पहले लेजर बनाएंगे, करके बनेंगे क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे दो दो आ जाएंगे। तो पहले नंबर पे देखो हमने लिखा था सोहन एंड सन्स दिल्ली, और दूसरे नंबर पे लिखा था रमेश एंड सन्स नोएडा, उससे 80,000 की सेल रिटर्न थी और इससे 20 की। तो पहले तो सोहन एंड सन्स की बात करते हैं, डेट डालते हैं 1 जुलाई थी, यहाँ लिखो भाई आपने क्या लिखी थी वहाँ एंट्री, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट 80,000 यहाँ लिख दो 80,
उसके बाद फिर यहाँ पर जो है इनपुट आउटपुट सॉरी आउटपुट सीजीएसटी था 4800 और एसजीएसटी भी 48 था, तो वो भी लिख दो आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट 4800। ये चीज़ क्लियर हो गई, एक ही ट्रांजेक्शन एक ही रिटर्न आई थी वो हमने यहाँ पर लिख दी। अच्छा कैसे लिखी है, आप इनकी जनरल एंट्री पास कर लिया करो। सेल्स रिटर्न जब आएगी तो क्या एंट्री पास करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी और 200 सन्स। हम कौन सा बना रहे हैं, 100 सन्स क्रेडिट हो रहे हैं तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, अपोजिट अकाउंट आ जाएंगे, सेल्स रिटर्न आउटपुट सीजीएसटी और ये सब मिलाकर इनका टोटल करते हैं तो 89600। हम चाहें तो टोटल ना भी करें, आपको आज बता दूं, क्योंकि उसने लिखा है खाली पोस्ट देम, उसने ये नहीं बोला इनके बैलेंस भी फाइंड आउट करो, लेकिन वो सिखा देते हैं आपको। यदि खाली पोस्टिंग बोलता है तो ऐसे छोड़ देंगे, टोटल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे बोल दे कि इनके बैलेंस भी फाइंड आउट करो तब है, तो हम बैलेंस भी कर लेते हैं ज़्यादा अच्छा है। इसका टोटल करा, टोटल लिखो यहाँ 89600 और वो 89600 ट्रांसफ़र कर दो बैलेंस सीडी एंड ऑफ द जुलाई में टू बैलेंस। ये आपको सिखा इसलिए रहा हूँ कि आपका लेजर भी प्रिपेयर हो जाएगा, और यहाँ अगस्त डेट डाल दो फर्स्ट बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी 89600। लेजर बनाने का आपको मैंने जब लेजर सिखाया तो आपको बताया था टेक्निक, जर्नल एंट्री में जिधर आ रहे सोहन एंड सन्स क्या आ रहा था आपको याद हो, क्रेडिट हो रहा था तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा और उसके अपोजिट तीन अकाउंट आ रहे थे, जर्नल पास करोगे तो ऐसे बनता है। चार कॉलम इधर बनाने हैं डेबिट में, चार ही आपको क्रेडिट में, डेट पर्टिकुलर जे एफ अमाउंट सेम, यही चार कॉलम डेट पर्टिकुलर जे एफ अमाउंट, जे एफ में कुछ नहीं लिखना। यहाँ तक क्लियर हुआ, हम चाहें तो अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ तक करके पोस्ट करके छोड़ दो, बैलेंस ना भी निकालो। ये आपको सिखा रहा हूँ कि आपके लिए अच्छा रहेगा कि कभी लिखा जाए कि बैलेंस भी करो इनके, तो ऐसे बैलेंस करते हैं। इधर का टोटल बना 89600, इधर कुछ था ही नहीं तो जीरो हो गया, दोनों जो बड़ी वाली साइड है वो लिखते हैं हम और छोटी माइनस करते हैं, जीरो माइनस करोगे इतना आ जाएगा, तो ये बैलेंस सीडी आ गया, तो ये बैलेंस बीडी बन गया। इधर इधर सीडी निकलेगा और आगे फॉरवर्ड करते हैं तो बीडी। तो अभी हम जो है ना सारे क्वेश्चनों के बैलेंस सीडी निकाल लेंगे जो आपको ये भी आ जाए, और यदि आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में पूछता है खाली पोस्ट करो तो आपको बैलेंस बीडी और सीडी निकालने की जरूरत नहीं, उनको छोड़ दो। अब अगले की बारी आती है, रमेश एंड सन से जो है 20,000 की रिटर्न आई थी आपको याद हो 2 जुलाई को, लिख दो बाई सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट 20,000 और इसके ऊपर आपको आईजीएसटी लगा था 2400 बाई आउटपुट आईजीएसटी। अब फिर इसका टोटल कर देते हैं, टोटल कितना बना 22400, लिख दो 22400, ये लो 22400 22400 और यहाँ लिख दो टू बैलेंस सीडी एंड ऑफ द डेट पे टू बैलेंस सीडी, बैलेंस कैरी डाउन और इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया करो नेक्स्ट मंथ में अगस्त फर्स्ट बाई बैलेंस बीडी। ज़्यादा बेटर है हम क्लोजिंग कर दें तो अच्छा है, लेकिन क्वेश्चन में वैसे कह नहीं रहा तो हम ना भी करें तो भी कोई फर्क नहीं था, लेकिन मैंने आपको करके दिखा दी कि क्लोजिंग ऐसे होगी। किसी भी लेजर की वैसे क्लोजिंग कर लिया करो अच्छा है, पोस्टिंग का है तो आप क्लोजिंग को छोड़ दोगे बस। अब आगे के दो बनाते हैं, चलो जी अब दिनेश की बात करते हैं। 25 जुलाई है, यहाँ पर आप लिखो भाई सेल्स रिटर्न 2 लाख की आई थी इससे, सेल्स रिटर्न अकाउंट 2 लाख। उसके बाद यहाँ पर आपका आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट 24,000, यही दो एक ही चीज़ रिटर्न आई थी, इतने की रिटर्न थी और इतना उसके ऊपर आईजीएसटी था, तो टोटल आपका 2,24,000 हो गया। ये चीज़ क्लियर है, दोनों साइड पुट करो। अब मैंने आपको दोबारा बताया इस क्वेश्चन में खाली पोस्टिंग कह रहा है, जब टोटलिंग बैलेंस नहीं कहेगा तो हम ये छोड़ भी सकते हैं ना करें, लेकिन सीख लो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2,24,000 मार्क्स नहीं कटते इसको हम यदि ऐसे कर दें तो शो, और ये यहाँ लिख दो 31st 2 करो यहाँ बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी और यहाँ नेक्स्ट डेट बनाओ अगस्त फर्स्ट बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी 2,24,000, ये ऐसे पुट कर देंगे। ये हमारा दिनेश चंडीगढ़ बन गया। अब ऐसे ही सेल्स रिटर्न अकाउंट बनाओ, वो जो इनका टोटल आया था आप याद करो कितना टोटल आया था सेल्स रिटर्न के अंदर 3,00,000 रुपये का, वो 3,00,000 रुपये का यहाँ सेल्स रिटर्न में दिखाएंगे। यहाँ डेट डाल दो 31st
और टू सेंट्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक, रिटर्न बुक ये कहाँ से लेके आए हम, जो सेल्स रिटर्न बुक से लाए थे, कितना अमाउंट था 3 लाख, लिख दो 3 लाख, जो उसकी कॉस्ट वैल्यू थी, याद रखना इसमें टैक्स नहीं है, सेल्स रिटर्न अकाउंट है ये। अब यहाँ इसका बैलेंस शीट निकालो, कैसे निकलेगा वो बैलेंस शीट, उधर की तरफ तो 0 है, ये 3 लाख, तो दोनों तरफ जो बड़ी फिगर है बताया वो पुट कर दो आप, ये 3 लाख, यहाँ तक क्लियर हुआ, ये पुट कर दो बाई बैलेंस शीट, बैलेंस जर्नल एंट्री से पास कर लिया करो, जर्नल एंट्री में सेल्स रिटर्न क्या था, डेबिट साइड, याद करो, तो किधर लिखा जाएगा अमाउंट, डेबिट में, और टोटल कर दो जितना टोटल आया, कितना टोटल आ गया 3 लाख, 3 लाख लिख दो, आगे इसको अब फॉरवर्ड कर दो, अगस्त डेट डाल के और टू बैलेंस बीडी, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये इसलिए बना देते हैं कि कई बार हमें टेम्परेरी ट्रायल बैलेंस बनाना पड़े, तो हमारे को पता होना चाहिए कि कितने सीडी निकले हुए, क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, आप जीएसटी वाले बना देते हैं, अकाउंट की तैयारी करते हैं, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, ये दोनों एक एक ही बारे आए थे, और किस में आए थे याद हो, सोहन एंड सन्स में, बिड साइड लिखो जुलाई फर्स्ट, इसमें भी जुलाई फर्स्ट, यहाँ लिख दो टू सोहन एंड सन्स, सोहन एंड सन्स, कितना कितना अमाउंट आया था आपको याद हो, 4800 आया था इसका, पहले तो इस अकाउंट को बंद कर दो, ये तो 48 इधर हो गया, ट्रांजेक्शन कोई और है ही नहीं, तो इसलिए डायरेक्ट इस अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं हम, लिख दो यहाँ पर बाई बैलेंस सीडी, ये तो ये अकाउंट क्लोज हो गया, बैलेंस कैरीड डाउन, डेट डाल दो 31st, और आज क्या था इसको फॉरवर्ड कर दो अगस्त फर्स्ट, टू बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी कितना अमाउंट 48। अब जरा एसजीएसटी की बात करते हैं, ये भी एक जगह डेबिट हुआ था सोहन एंड सन्स में, लिख दो उसकी डेट यहाँ, वो भी फर्स्ट थी, टू सोहन एंड सन्स, सोहन एंड सन्स कितना अमाउंट था 4800, बस एक ही जगह आया था ये भी, तीनों ट्रांजेक्शन में याद करो आपने जो सेल्स रिटर्न बुक बनाई उसमें दिख जाएगा। अब ये इनको क्लोज कर दो, हो गया क्लोजिंग। डेबिट क्यों करते हैं, जर्नल एंट्री से पास करो, ये डेबिट में आ रहे हैं इसलिए डेबिट साइड लिखे गए हैं, मैंने आपको बता रखा है कि किस तरीके से पोस्टिंग करते हैं, डेट डाल दो यहाँ एंड बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस कैरीड डाउन, और यहाँ डाल दो आप अगस्त फर्स्ट टू बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी 4800, ये रहे। अभी हमारे दो अकाउंट तो बन गए सीजीएसटी, अब लास्ट रह गया आपका आईजीएसटी अकाउंट, उसको और प्रिपेयर करते हैं। चलो जी, अब जुलाई सेकंड की बात करते हैं, जुलाई सेकंड को देखो रमेश एंड सन से अब आईजीएसटी अकाउंट बना रहे हैं, ये भी डेबिट में ही लिखा हुआ है, जर्नल में, जर्नल पास करोगे तो डेबिट साइड लिखा जाएगा, किससे रिटर्न आई थी याद करो, रमेश एंड सन से, टू करो यहाँ रमेश एंड सन्स, रमेश एंड सन्स कितने अमाउंट की थी 2400, क्लियर हो गया। एक और आईजीएसटी लगा था थर्ड वाली ट्रांजेक्शन में 25th में, तो जुलाई 25th कर दो यहाँ, और क्या था वो टू दिनेश चंडीगढ़ 24, दिनेश चंडीगढ़, चंडीगढ़ 24,000, बस ये दो थी ट्रांजेक्शन। अब इसका टोटल कर दो 26,400 हो गया, ये टोटल वहां लिख देंगे 26,400, बस खत्म 26,400, और यहाँ डेट डाल दो 31st एंड ऑफ द मंथ, क्लोज कर दो इसको बैलेंस सीडी, और ये 26,400 यहाँ डेट डाल दो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट, टू बैलेंस बीडी, ये हमने बंद करके आप क्लोज करके दिखा दिए बैलेंस बीडी, वरना इसमें पोस्टिंग कर रहा है पोस्ट देम, तो खाली इतना था, यदि वो बैलेंस का है तो ये कर दो, वरना इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब जरा एक ट्रांजेक्शन हमारी रह गई याद करो, जो लास्ट की हमने लिखी नहीं थी, कौन सी डेट थी 26th, उसके लिए नीचे फुटनोट देते हैं, देखो कैसे लिखते हैं उसके लिए फुटनोट, यहाँ आप जो है ना एंड में नोट लिख दिया करो, नोट, और यहाँ लिखो ट्रांजेक्शन ऑफ 26th जुलाई, ऐसे नोट दे दिया करो एंड में, जुलाई विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक बिकॉज इट इज कैश सेल्स रिटर्न, बिकॉज ये भी दे दो, इट इज
कैश सेल्स। क्लियर हो गई? ये ऐसे फुट नोट दे देना चाहिए जो उनसी ट्रांजेक्शन हमारी नहीं आ रही एंड में। तो अब हमारी ये जो है 10th तक कंप्लीट हो गए। अब इसको चैप्टर के खाली दो ही क्वेश्चन रह गए, इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। यहाँ तक आप जो है पूरा कंप्लीट करो। कोई भी डाउट लगता है यू लास्ट इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।